गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कन्वर्जन को हम लोग बोल रहे थे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बाइनरी को बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किस तरह से बाइनरी संख्याओं को ऑक्टल संख्याओं में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से बाइनरी संख्याओं को ऑक्टल संख्याओं में कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी संख्याओं को ऑक्टल संख्याओं में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बाइनरी संख्या लेंगे। वो बाइनरी संख्या मान लीजिए हमने ली 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1। ये हमारी एक संख्या है जो हमारी एक बाइनरी संख्या बता रही है। बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। ये बाइनरी का बेस लिख दिया, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल यानी बेस 8 में। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक बाइनरी संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है हमको बेस 8 में। तो 8 क्या होता है, 8 होता है हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8। तो हम लोग अब इस संख्या को कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो यहां पर हम लोग ये हमारी संख्या थी, इसको लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए यहां पर हमारा 2 पार्ट में बटी है, यहां से ये फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। तो हम लोग उसमें 3-3 के जोड़े बनाएंगे, जहां पर नहीं बन रहा है 3 का जोड़ा वहां पर हम 1-0 बढ़ा देंगे। ऐसे ही इधर भी 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए 3-3 के जोड़े बना लिए, तो ये हमारे आपका जो टेबल हमारी होगी 8421 की टेबल, एक टेबल होती है 8421, इसमें 80 80 1 2 3 4 5 6 7 8 80, यहां 40 41, यहाँ 20 21 20 21, और यहाँ 01 01 01 और 01। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों का ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक नंबर्स होते हैं, तो ये हम लोगों ने 8421 टेबल की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं की क्या लिखी, बाइनरी। ये इन संख्याओं का बाइनरी है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 3 की बाइनरी क्या होगी 11, 4 की क्या होगी 100, 5 की क्या होगा 101, 6 की क्या होगी 110 और 7 की क्या होगी 111। अब हमारे बाइनरी संख्याएं हैं, ये हमारा जोड़े पर जो लिखा होगा, सबसे पहले क्या लिखा है 010 010, कहां लिखा है 010, यानी ये क्या है, ये है हमारा 2। फिर क्या लिखा है 111 111, ये क्या है हमारा 7। फिर क्या लिखा है 011 011, ये हमारा क्या है 3। पॉइंट लगा दे, फिर लिखा हमारा 111, ये क्या है हमारा 7। फिर क्या लिखा है 011 011, ये क्या है हमारा
तो ये जो संख्या में प्राप्त हुई ये हमारी क्या हुई, ये हमारी ऑक्टल संख्या है, यानी हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसका 101111011.111011 इसका ऑक्टल क्या होगा 273.73 8। तो ये हमने संख्या को उसके ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का एक एग्जांपल और देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं, हमने एक संख्या पे ले ली, ये हमारी एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके ऑक्टल में। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का। इसको कन्वर्ट करने के सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 101, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, तीन का जोड़ा ये, तीन का ये और तीन का ये, यहाँ भी तीन तीन के तीन, ये याद रखेंगे। जब भी हम लोग इस तरह बनाएंगे तो यहाँ से पीछे से बनाएंगे और जब भी इधर बनाएंगे तो आगे से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जोड़े बना लेते हैं, बना दिया हमने। ये हमारा 101, ये 110.100.111001. अब हम लोग इन नंबर्स के सापेक्ष इनकी इनकी क्या लिख देंगे, इनका ऑक्टल लिख देंगे इन नंबर के सापेक्ष। तो देखिए 101 का ऑक्टल क्या है, ये टेबल है हमारे, 101 का ऑक्टल क्या है 5, 110 का ऑक्टल क्या है 6, 100 का ऑक्टल क्या है 4, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लीजिए 100 4, 111 7 और 001 मतलब 1। तो ये संख्या का क्या निकला है, ये हमारे संख्या का ऑक्टल निकला है। तो ऑक्टल कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले जो बाइनरी संख्या होती है उसमें तीन तीन के हम लोग जोड़े बना लेते हैं, और तीन तीन के जोड़े जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बैक साइड से तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें फ्रंट साइड से तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। अगर हमारा इस संख्या में एक और बन रहा है तो हम उसमें जीरो बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, फिर एक टेबल बना देंगे 8421 की। उस टेबल की सहायता से हम लोग 0 से 7 नंबर्स की बाइनरी लिख लेंगे। 0 से 7 नंबर्स की बाइनरी लिखने में आपको 8421 की टेबल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो आप बना लेंगे। उसके बाद तीन तीन के जोड़े बनाने के बाद उनका हम लोग ऑक्टल लिख देंगे, ऑक्टल क्या है और लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। क्या पढ़ना है हमको, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे 8421 की। इसमें R0 R1, यहां पर 4 0 4 1, फिर 4 0 फिर 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0
दो वन दो जीरो दो वन दो जीरो दो फिर जीरो वन 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 एंड जीरो एंड वन। अब ये हमारे क्या लिखे हैं, हमारे नंबर लिखे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट आपका हो गया है सेवन एट, फिर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। वेयर ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू टेन इक्वल टू इलेवन इक्वल टू ट्वेल्व इक्वल टू थर्टीन इक्वल टू फोर्टीन और फिफ्टीन। तो ये आपका फिफ्टीन नंबर्स हो गए, 15 तक की जीरो से 15 तक की हमने बाइनरी लिए थे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बाइनरी लिखते हैं हम, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारा बाइनरी संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में जिसका बेस होता है 16। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग चार चार कटोरे बनाते हैं। तो लिखते हैं इसको, ये चार कटोरा, ये चार कटोरा, ये चार का और ये चार का। तो चार चार कटोरे बना रहे, तो ये हमारा हो गया पहला, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया और चौथा हमारा ये हो गया। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं 8421 का। तो 8421 8421 8421 8421। अब देखिए जहां जहां जिसके जिसके नीचे 1 लिखा है उसको ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 12 और 1 13। 13 का मतलब क्या हो गया, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12 और D का मतलब 13। तो D यहां आ जाए, फिर ये क्या है 8 4 12 12 मतलब A का 10 11 सी पॉइंट, ये 14 हो गया, 14 का मतलब क्या है ई, और ये हमारा हो गया 4। तो डी सी पॉइंट ई 4 बेस 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लिखते हैं डी सी पॉइंट ई 4 बेस 16। तो अगर ये हमें लिखना है प्रॉपर तरीके से तो उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1101 0 0 1 1 1 1 0 and 0 1 0 0 base 2 और इसका हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया है DC1E4 base 16। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी बाइनरी के चार चार के जोड़े बना लेते हैं और हर जोड़े को अलग अलग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं जिनके जिनके नीचे वन लिखा होता है। तो ऐड कर दिया 8 + 4 = 1 13। 13 क्या होता है, A = 10 B = 11 C = 12 D = 13। सो दिस इज डी, यहाँ क्या है 12 A = 10 B = 11 C = 12। यहाँ क्या है 8 + 4 = 12 + 2 = 14 14 means E and this is the value of 4, so we return 4. So DC point E 4 base 16, this is the answer. So this is the example of binary to hexadecimal conversion. Now you understand how to find binary number, how to change the binary number into hexadecimal number. I give a next example. You understand how you find binary to octal and how you find binary to hexadecimal. For that, you see the next example, that is 1111
1010 and 0110.1000110. This is the binary. Then first we make the 4 1 2 3 4, and here you put 1 0 4. Here this is 4, and again you return to 0. So these are the 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 point 1 triple 0 1 1 0 0. Then you find the, this is the given numbers, then you return 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 and 8 4 2 1. So this is only 4 plus 2 plus 1, that is 4 plus 2 plus 1 6 plus 1 7. This is 8 plus 4 12 1 13. 8 equal to 10, b equal to 11, c equal to 12, so d equal to 13. Next, this is 3 point, this is only 8, and this is 12, that is c. So hexadecimal result of that number is 73.8 c. So how you can return the result? Zero zero one point. That is binary. When converted in hexadecimal, then 73.8 c. And you return the base, that is 16. So this is the binary to hexadecimal conversion. In next class, we understand the next conversion. Thank you, class.